उनको जहाँ रह रहे थे वहाँ से उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती पकड़ के लेके आए। लेके आने के बाद अपने जो ससुराल में उसको तीन लोगों ने निर्वस्त्र किया, उसके बाद उसको वीडियो बना के उसको वायरल भी कर दिया। इस घटना की एक तारीख शाम को 8:30 के आसपास एसपी को मिली। एसपी अमित कुमार उसके प्रतापगढ़ में त्वरित कार्रवाई करते हुए इमीडिएटली वो संपर्क किया, खुद ही जो आइडेंटिफाई किया कौन पीड़िता है, कहाँ के रहने वाली है, एसएचओ गया। उसके बाद पूरे टीमें लगाई, पूरे टीमें लगा के 12 घंटे के अंदर अंदर ही जीतरी और वो सब मुलजिम को पकड़ लिया। जो घटना में 8 लोग किडनेपिंग में थे उसमें एक गिरफ्तारी है, उसमें एक के अलावा 7 डिटेन हो गए। इसके अलावा निर्वस्त्र करने में 3 लोग थे, प्लस उसमें पति का नाम प्लस उसके साथी नाम थे। इसके अलावा जो वीडियो बनाने में एक पिंटू था, वो सब अरेस्ट हो गए। और इसके अलावा वहाँ जो मौके पर जहाँ निर्वस्त्र किया गया वहाँ प्रचोदन करने में, प्रॉम्प्ट करने में जो लोग थे वो भी अरेस्ट हो गए। अब तक टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए और 4 लोगों को डिटेन किया, जिसमें बाल अपचारी भी है। इसमें जो 3 मेन अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करते वक्त उनकी समय में उनको चोट आई, उनको उपचार अभी चल रहा है, उनको उपचार तुरंत बाद उनकी अरेस्ट किया जाए। तो एसपी पूरा प्रतापगढ़ जिला एसपी अमित कुमार के डायरेक्शन में, प्लस आईजी मैडम परिमला के डायरेक्शन में हम सब मुलजिम पकड़ लिए। अभी नामजद एक रूपा है, प्लस एक लेडी है जो ननद है, जो प्रचोदन दे रही थी, जो प्रॉम्प्ट कर रही थी, उनके लिए भी टीमें लगी हुई है। इसके अलावा भी कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया है मौके पर, उनको भी मदद करेंगे। इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? इस घटना में अभी FIR में 10 लोग थे। इसके अलावा हम लोगों ने वीडियो देख के कुछ लोगों को हमने और जोड़ा है, प्लस पीड़िता के बयान से और भी सारे 7-8 लोग और जुड़ सकते हैं। सर, इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ है, महिला का किस तरह सहयोग किया जाएगा, क्या रहेगा? नहीं, अभी सबसे पहले हमने महिला के लिए एक हर जिले में एक वन स्पॉट काउंसलर्स होते हैं, जो हमारी जो महिला सुरक्षा सखी प्लस जो सरकार से महिला परामर्श केंद्र है उस उनके साथ काम करते हैं। वो पूरी टीम आ गई है, अभी डिवीजन कमिश्नर साहब हमारे साथ ही, उन्होंने पूरी टीम बुला ली है, वो टीम उस महिला को काउंसलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार से जो जो मदद मिल सकता है वो पूरा डिवीजन कमिश्नर साहब पूछ सकते हैं। इस वक्त क्या हालत अभी? अभी ठीक है, अभी स्थिति ठीक है। और माहौल की स्थिति? माहौल तो शांत है, सब अरेस्ट हो गए। अभी जो एक अरेस्ट हुआ नहीं है उसके लिए किडनैपिंग प्लस निर्वस्त्र करके घुमाना, उसमें जो मेन थे 8 लोग थे उसमें 7 हो गए और 1 बाकी बस। सर, सीन सब का इसमें लेट के वे एसपी की है, वो त्वरित गति से इन्वेस्टिगेशन करेंगे करके और जल्दी चार्जशीट करेंगे। चार्जशीट करने के बाद एक हमारी CID में एक हीनस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट है, उसके लिए एडिशनल एसपी अधिकारी उदयपुर में बैठता है, उसको भी हमने बुलाया है, उसको भी इस इन्वेस्टिगेशन में जोड़ेंगे। प्लस उसको डे टू डे मॉनिटरिंग SPIG के अलावा मैं भी करूँगा और इसमें स्पेशल PP नियुक्त करके और कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक में लेके डे टू डे हेयरिंग करके जल्दी इस केस को सजा कराएंगे। Thank you. Thank you.